चलिए इसी लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं जल्दी से। लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच दफ्तर में हुआ पेश, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है आशीष। लखीमपुर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्र से पूछताछ जारी, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। आशीष मिश्र से घटना वाले दिन के बारे में हो रहे हैं सवाल, किसानों को रौंदने वाली गाड़ी में उसकी मौजूदगी को लेकर भी पूछताछ। लखीमपुर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में डीआईजी और एसपी लेवल के अफसर मौजूद, आशीष मिश्र से कर रहे सवाल जवाब। लखीमपुर में आरोपी आशीष मिश्र के समर्थकों का हंगामा, पिता अजय मिश्र टेनी के दफ्तर के बाहर की नारेबाजी। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर में अपने संसदीय कार्यालय पहुंचे, गहमा गहमी का माहौल, समर्थक भी मौजूद। आशीष मिश्रा के लीगल एडवाइजर अवधेश सिंह का बयान, का आशीष बेगुनाही का देंगे सबूत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र लखनऊ में सीएम योगी के साथ होने वाली बैठक में होंगे शामिल, लखीमपुर कांड पर भी करेंगे चर्चा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र बोले, हिंसा को कुछ उपद्रवियों ने किसान के वेश में दिया अंजाम, सरकार कर रही निष्पक्ष रूप से जांच। दीपेंद्र हुड्डा बोले, जब तक अजय मिश्र टेनी अपने पद पर रहेंगे लखीमपुर केस में नहीं मिलेगा न्याय। आशीष मिश्र की पेशी के बाद लखीमपुर में नवजोत सिंह सिद्धू ने खत्म किया धरना, पत्रकार रमन कश्यप के घर अनशन पर बैठे थे सिद्धू। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, यूपी सरकार से पूछा, क्या सीबीआई जांच पर हो रहा है विचार। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, लखीमपुर खीरी में पहले किसानों को कुचला, अब कानून को कुचलने की बारी। लखीमपुर खीरी कांड पर सीपीआई नेता डी राजा का सरकार पर हमला, कहा किसानों की नहीं सुनी जा रही बात, गाड़ियों से कुचलकर आवाज दबाने की कोशिश। लखीमपुर में सियासी दौरे से बीजेपी नेता शुभम मिश्रा का परिवार नाराज, कहा मेरे बेटे के अलावा भी दो लोगों की पीट पीट कर हत्या। शुभम मिश्रा के पिता विजय मिश्रा बोले, हमें भी इंसाफ चाहिए, मैंने भी बेटा खोया, मेरे घर कोई क्यों नहीं आया। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए शुभम मिश्रा के पिता विजय मिश्रा की TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत, अपने बेटे के लिए की इंसाफ की मांग, सुप्रीम कोर्ट से लगाई न्याय की गुहार। लखीमपुर खीरी मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा 12 अक्टूबर को मनाएगा शहीद किसान दिवस, लोगों से अपील, मंदिर गुरुद्वारों में करें प्रार्थना, घरों के बाहर जलाएं 5 मोमबत्ती। लखीमपुर खीरी में नेताओं का आना जाना जारी, माहौल तल्ख, तनाव बढ़ने के साथ एक बार फिर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक। मायावती बोली, यूपी में किसानों का हो रहा है शोषण, लखीमपुर इसका जीता जागता उदाहरण। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को पहली बार बंद हुआ था इंटरनेट, सुरक्षा के मद्देनजर 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी सीतापुर और बहराइच में की गई थी पाबंदी। आज लखनऊ में शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर समेत 5 नेता डेलीगेशन में शामिल, सीएम योगी आदित्यनाथ से होगी मुलाकात, लखीमपुर हिंसा पर होगी बात। लखीमपुर हिंसा में पीड़ित किसान परिवार से भी मिलेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता, लखनऊ से सीधे लखीमपुर खीरी जाएगा डेलीगेशन। केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े राकेश टिकैत, कहा 12 तारीख तक अगर गिरफ्तारी और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो देश भर में करेंगे आंदोलन। अखिलेश दास के बड़े भाई हरेंद्र अग्रवाल का बयान, TV9 भारतवर्ष से बोले, लखीमपुर की घटना में देखी फॉर्चूनर गाड़ी अंकित दास की थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।